मुझे दानिश कनेरिया इस वजह से लगते हैं क्योंकि अगर वो फिक्स में मुलव्वस नहीं होते तो 4-5 आउट तो आराम से करते। कि इमामुल हक जो हैं वो इंजी बाई की वजह से पाकिस्तान टीम में आए क्योंकि वो जब सिलेक्टर थे। आजम खान और इमामुल हक को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, आखिर ऐसा क्यों? खान एंड यू आर वॉचिंग बातूनी। सो हुज़ आवर गेस्ट टुडे? अ मैन हु इज फेमस फॉर हिज अग्रेसिव बिहेवियर, हु इज नेवर अफ्रेड ऑफ रेजिंग हिज वॉइस एंड स्पीकिंग द ट्रुथ। सो लेट्स हैव अ लिटिल चैट विद पाकिस्तान्स वन ऑफ द फॉर्मर फास्ट बॉलर हु हैज टेकन 6 विकेट्स इन हिज टेस्ट डेब्यू, तनवीर अहमद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र सब ठीक ठाक। आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। क्या चल रहा है आजकल? बस यही चल रहा है, क्रिकेट के ऊपर बात कर रहे हैं और कोशिश करते हैं कि जो चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट में या डोमेस्टिक क्रिकेट में जो चीज़ें गलत होती हैं उनको पॉइंट आउट करते हैं। और मेरे ख्याल में बहुत कम लोग ऐसे रह गए हैं कि जो सही बात करते हैं, क्योंकि सही बात करने वाले लोग बहुत कम हैं और दोस्ती यारी निभाने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, जब आप क्रिकेट खेला करते थे आप काफ़ी खामोश थे, लेकिन जब आप क्रिकेट से चले गए और अब आप जो नहीं हैं, अब आप एक क्रिकेटर, तो आप काफ़ी एग्रेसिव हो गए। देखिए, मैं शुरू से ही ऐसा था। उस टाइम क्रिकेट खेलते थे तो बहुत सी चीज़ें बहुत बुरी लगती थी। अगर मैं सिलेक्शन की बात करूं या और चीज़ें ऐसी मुझे नज़र आती थी जब मैं क्रिकेट भी खेलता था, फेवरेटिज्म बहुत ज़्यादा होता था डोमेस्टिक क्रिकेट में, और पसंद नापसंद वहाँ भी बहुत ज़्यादा चलती थी। जो कोचेज हैं या कप्तान हैं वो भी अपनी पसंद नापसंद बहुत ज़्यादा चलाते थे, लेकिन उस टाइम कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था मेरे पास कि मैं आके बात कर सकूँ। लेकिन ये मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जब मैं क्रिकेट खेलता था तो उस टाइम मुझे एक शौक बहुत था कि मैं टीवी पे बैठूं आके, और ये भी शौक था कि मैं बहुत अच्छा लगूं, कपड़े अच्छे पहनूं और टीवी चैनल्स पे बैठ के मैं लोगों को ये बताऊं कि क्या चीज़ें सही होती हैं और क्या चीज़ें गलत होती हैं। वो अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने मुझे पाकिस्तान खिलाई, कम खेली लेकिन खेली। फिर उसका ये मुझे फ़ायदा हुआ कि मैं टीवी चैनल्स पर आया तो फिर मुझे लोग समझने लग गए, जिस तरीके से आपने बात की कि आप पहले ऐसे नहीं थे। मैं शुरू से, मेरी जो नेचर है वो ऐसे ही है, मैं गलत बात मुझसे बर्दाश्त होती नहीं है, और जो गलत चीज़ें होती हैं वो मैं जब खेलते हुए भी मैं अपने कोचिज से लड़ता था, कप्तान से लड़ता था, जब मुझे बिला वजह टीम से ड्रॉप किया जाता था, तो ये चीज़ें मेरी शुरू से ही हैं। और आपके डेब्यू से पहले आपने 500 प्लस विकेट ली थी, और आपका डेब्यू 32 की एज में हुआ था। उस वक्त तक फास्ट बॉलर रिटायर हो जाते हैं। देखिए, बात यह है कि एक शौक था कि पाकिस्तान खेलना है, और मुझे ये भी पता था कि इस उम्र में जो है वो उस किसी भी लड़के को पाकिस्तान खिलाना बहुत मुश्किल चीज़ होती है। तो ये बात है 2009 की, 2009 का सीज़न था। उस टाइम कराची से मेरा नाम भी नहीं था, 45 या 50 लड़के थे ट्रायल में, तो मैं बड़ा अफसोस हुआ था मुझे कि मेरा नाम नहीं। मुझे ये बोला गया था कि उस टाइम जो सेक्रेटरी थे उन्होंने बोला कि जी आपकी उम्र हो चुकी है, आप बूढ़े हो चुके हैं। जो सिलेक्टर थे उन्होंने भी यही बात की, लेकिन खैर ट्रायल के आखिरी दिन गया तो मैंने बॉले की तो उन्होंने बोला जी अभी भी जान है तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो वहाँ से फिर वो जो अल्लाह ने मेरा साथ दिया तो मैंने तकरीबन 100 मैंने आउट किया उस सीज़न में। फिर उसके बाद मेरा नाम जो है वो पाकिस्तान टीम में आया। मेरी ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है और मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का कि मेरी ज़िंदगी में उन्होंने स्ट्रगल रखी हुई है, क्योंकि मैं खुद पर्सनली भी यही चाहता हूँ कि जब आप स्ट्रगल करके कोई चीज़ हासिल करते हैं वो पावरफुल होती है और स्ट्रांग होती है, उसको कोई हिला नहीं सकता। इसी तरीके से मैं टीवी में चैनल्स पे बैठ के मैं स्ट्रगल भी करता हूँ और लोगों के लिए हक की बात करता हूँ। मैं ये चापलूसियाँ, दोस्ती यारी, ये चीज़ें ना मुझे शौक है, मेरी तरफ से कोई बात करता है मेरे से करे, नहीं करता ना करे, कोई चावल रोटी पानी मुझे देता नहीं है, ना किसी ने मुझे पाकिस्तान खिलाई है, ना मुझे परवाह है किसी की। अच्छा, 2002 में आपने इंडियन टीम के साथ कैंप किया था, तो उस वक्त आपका क्या फील था और क्या, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? देखिए, मैं 2002 में फर्स्ट टाइम इंग्लैंड गया था और नॉटिंघम में मैं रहता था, और जिस होटल में जिम था, बेसमेंट पे था या ग्राउंड फ्लोर पे था मुझे याद नहीं है, वहाँ पे मैं जाता था। तो
इंडियन टीम का टूर था 2002 में, तो मैं एक दिन गया जिम के अंदर, तो सौरभ गंगुली वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे थे, तो इंडियन एक दो प्लेयर्स और भी थे ट्रेनिंग कर रहे, तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि इस होटल में ठहरे हुए, क्योंकि उस होटल में ऊपर जो है वो रूम्स वगैरह भी थे, तो टीम वहीं ठहरी हुई थी। तो सौरभ गंगुली से मिल के मैं इतना खुश हुआ, बड़ी रिस्पेक्ट की उन्होंने, मैंने उनसे बातचीत नहीं की, लेकिन उन्होंने जब मुझे प्राउड टू बी पाकिस्तान की एक शर्ट होती थी, स्टार बहुत बड़ा बना था, वो मैंने पहना हुआ था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम पाकिस्तान से हो, मैंने बोला जी, तो उन्होंने बोला आप क्रिकेटर हो, मैंने जी क्रिकेटर हो, फिर बातचीत होने लग गई कि बॉलर हो, इस तरह बॉलर सीजन में पूछा कितने आउट किए, मैंने बोला 76 आउट किए, तो वो कहते हैं सिर्फ तुम कह रहे हो सिर्फ 76 आउट किए, मैंने बोला पाकिस्तान में तो ये सिर्फ ही है, इससे ज़्यादा आउट करेंगे तो शायद खेलेंगे। खैर बहुत अच्छे तरीके से बातचीत हुई, उन्होंने अपना नंबर दिया, मैं उनसे बात करता था, फिर उन्होंने मुझे कैंप में बुलाया अपना नॉटिंगम में, जो टेस्ट मैच था वहाँ गया, तो उनके न्यूजीलैंड के जो कोच थे जॉन राइट थे आई थिंक वो कोच उस टाइम, तो उन्होंने मुझे आउटसाइडर लड़कों में बिठा दिया कि ये भी आउटसाइडर आया है, कोई फास्ट बॉलिंग करने आया है। लेकिन सौरभ गंगुली को देखें, उस बंदे ने इतनी रिस्पेक्ट की मेरी, वो जब ग्राउंड के अंदर आए तो मैंने हाथ हिलाया तो उन्होंने मुझे फौरन से अंदर बुलाया, तुम वहाँ क्या कर रहे हो। मैं वहाँ गया, फिर उन्होंने जॉन राइट से मिलाया, इतनी रिस्पेक्ट दी कि ये पाकिस्तान का प्लेयर है, ये फर्स्ट क्लास प्लेयर है, इसने इतने आउट किए हैं, ये इस किस्म की उन्होंने बातें की। फिर उन्होंने मुझे बोला कि हम वार्म अप कर रहे हैं, तुम हमारे साथ वार्म अप करो, मैंने बोला नहीं मैं आपके साथ वार्म अप नहीं कर रहा। तो बड़ी रिस्पेक्ट उन्होंने दी, बॉलिंग वॉलिंग की, तो बड़ी उनको पसंद आई, मज़ा आया उनको, जितने भी वहाँ पे प्लेयर्स थे, युवराज सिंह थे, हरभजन थे, सहवाग थे, सचिन तेंदुलकर थे, इन सब के साथ मैंने पिक्चर्स खिंचवाई भी, लक्ष्मण के साथ भी। फिर उसके बाद एक स्टोरी बनी, वो बहुत बड़ी स्टोरी बन गई थी, बहुत आगे तक गई वो, अजय रत्रा इनके विकेट कीपर थे वो वहाँ पे अनफिट हो गए मेरी बॉलिंग से। अच्छा। तो जो पार्थिव पटेल थे इनके जो सेकंड विकेट कीपर थे, वो तो बिल्कुल छोटे से बच्चे लगते थे, उनका उस टेस्ट मैच में डेब्यू हो गया था। तो उसके बाद जो है अजय रत्रा कभी भी इंडियन टीम में आई थिंक उनका कमबैक नहीं हुआ, तो बहुत मुझे मज़ा आया वहाँ पे। इंडियन टीम के अगेंस्ट मैं खेल तो नहीं सका, लेकिन नेट किया, नेट में ही इतनी ज़्यादा जोश था मेरे अंदर कि मैं इनको बहुत तेज़ बॉलिंग करूं। अब मुझे आइडिया होता है कि जब मैं इंडियन टीम जो इंडिया के अगेंस्ट जो मैच खेलता है उसके अंदर कितना ज़्यादा जोश होता। तो ये जो स्टोरी थी ये बड़ी ज़बरदस्त थी। अच्छा, ये आप ही के लिए नहीं पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है वैसे, कि आपने इंडियन टीम के साथ कैंपिंग की थी, बहुत ज़्यादा बड़ा मोमेंट है हम सबके लिए। वो ऑब्वियसली अब आप नहीं खेलते तो इतना लोगों को नहीं पता होता। जी बिल्कुल। तो अच्छा, आपने अपने पहले ही मैच में 6 विकेट्स ली थी, है ना, अगेंस्ट साउथ अफ्रीका के। उससे पहले बैटिंग पिच थी आई गेस, वो तो बहुत ज्यादा कैसा था? बहुत ज्यादा। देखिए, मेरा उससे पहले नाम आया 2010 में अगेंस्ट इंग्लैंड, तो वहाँ 6 के 6 टेस्ट मैच मैं खेला नहीं वहाँ पे, तो मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ रहा था कि मैं टेस्ट मैच खेला क्यों नहीं, किस वजह से नहीं खेला, मुझे खिलाया क्यों नहीं जा रहा। मुझे टेस्ट मैच याद है, आई थिंक 5th टेस्ट मैच था शायद ओवल में, उसमें वहाब रियाज का डेब्यू हो गया था, तो मैं उस टाइम भी वकार यूनुस साहब से नाराज़ हो गया था मैं कि मेरा डेब्यू क्यों नहीं कराया। आपने जिस तरह जो मुझे बात बोली ना कि लोग समझते हैं कि टीवी पे आके, ऐसा नहीं है। मेरी जिंदगी में एक असूल है, अगर मैं बुरा हूँ तो मुझे मत खिलाओ, अगर मैं अच्छा हूँ तो मुझे ड्रॉप मत करो, बुरा हूं मेरी जगह कोई और खेलता है वो अच्छा परफॉर्म करा, मुझे 10 के 10 मैच रेस्ट करवा दो या ड्रॉप कर दो, मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अगर मैं अच्छा हूं तो मेरे से पहले कोई और नहीं खेलना चाहिए। तो वहां पे वाब रियाज को डेब्यू करवा दिया, तो उनके सिर्फ पता नहीं 6 मैचेस में 14 या 15 आउट थे, मेरे 85 आउट थे सीजन के अंदर, तो उनको खिला दिएगा। जाहिर है फेवरिज्म तो थी, वकार यूनुस वैसे भी उनको लाइक करते थे, फिर सलमान बट थे वो भी उनको लाइक करते थे, जिसकी वजह से वो खेले। आपको पता है कि ये सिवाय शायद जो मेरी नेचर थी, मेरी नेचर के अलावा कोई लड़का होता वो ट्रेनिंग भी करता, मैंने ट्रेनिंग तक नहीं की थी वो टेस्ट मैच, जब मुझे खिलाया नहीं था। एजाज अहमद जो हमारे अभी पाकिस्तान अंडर 19 के कोच हैं, वो फील्डिंग कोच थे, उन्होंने बोला तू की कर लगे हैं, तू फील्डिंग क्यों नहीं कर रहा। मैंने बोला मैंने फील्डिंग करनी ही नहीं है, मैंने की नहीं फील्डिंग। फिर उसके बाद ड्रेसिंग रूम के अंदर आए तो कोच ने मुझे बोला इनडायरेक्टली कि जिसको खिलाना है उसको खिलाएंगे, जिसको नहीं खिलाना उसको नहीं खिलाएंगे, हमारी मर्जी है ये है वो। तो ये नेचर जो मेरी शुरू से। फिर उसके बाद जो आपने मुझसे सवाल किया, अबू धाबी में मुझे टेस्ट मैच खिलाया गया, मैं बच्चा नहीं था, मुझे पता था ये मरवाने के लिए टेस्ट मैच खिलाया है। मरवाने का मतलब ये कि इसकी परफॉर्मेंस ना हो, ये हमारे ऊपर क्या मुसल्लत हो गया है 32-34 वाला, इसकी जान छुड़ाई जाए, क्योंकि कोच तो हमारा वकार यूनुस थे, वो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे कि 32-33-34 वाला फास्ट बॉलर कोई पाकिस्तान टीम में आए। तो वहाँ खिलाया गया, फ्लैट पिच है, खिला दो उसको। खैर वो भी शायद टेस्ट मैच मैं ना खेलता, क्योंकि दुबई वाला जो टेस्ट मैच था उससे पहले वो वहाब रियाज को
रिब की उनको इंजरी हो गई थी तो वो वापस चले गए थे, तो मुझे उसमें खिलाया गया था। और उस टेस्ट मैच में जो खिलाया नहीं था, मुझे और मोहम्मद शमी को इतनी फील्डिंग करवाई थी इन्होंने, इतनी बॉलिंग सेशन करवाए थे, वो लग ऐसा रहा था। अब समझ आता है कि पाकिस्तान टीम में क्या क्या चीज़ें होती हैं लड़के को अनफिट करने के लिए। तो ये सब चीज़ें हुई हमारे साथ। तो वहाँ पर जब 6 आउट किए तो मैं कुछ कह नहीं सकता, आप स्क्रीन पे खुद देख सकती हैं कि कौन खुश हो रहा था मेरे आउट करने से, कौन नहीं हो रहा था। ये अल्लाह ताला इज्जत रखता है। फिर उसके बाद इनको इनको मुश्किल पड़ गई, लेकिन फिर जहां वेस्ट इंडीज़ खेला वहां परफॉर्म किया बैटिंग में, न्यूजीलैंड में 8 आउट किए 2 टेस्ट मैचेस में। फिर इनकी पूरी कोशिश थी किसी ना किसी तरीके से इनको इसको ड्रॉप किया जाए, नहीं तो ये तो अजाब बन जाएगा हमारे लिए। तो वो उन्होंने श्रीलंका के टूर पे इन्होंने ड्रॉप कर दिया मुझे। फिर वैसे ये सारी ज्यादती ही कहेंगे, खुलेआम होती है ज्यादती, खुलेआम। एज अ पर्सन भी और एज अ क्रिकेटर भी आपको बहुत स्ट्रांग बनाया इन बातों ने, अल्लाह का शुक्र है। मैं चाहता हूँ कि मेरे ऊपर कोई बातें कसे और मुझे बुरा भला बोले। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी यही फाइट करता हूँ इन चीज़ों से। मैंने क्रिकेट में भी 500 आउट करने के बाद पाकिस्तान खेला, मैंने फ़ाइट की, जो नाइंसाफ़ी करता है करता रहे। ये एक बंदे की एक हैबिट होती है कि आपके अगेंस्ट कोई जाता है तो वो स्ट्रांग होता है। मेरी नेचर उसी किस्म की थी, तो मैं सबके साथ फ़ाइट करता रहा। और यही जो बड़े प्लेयर अब टीवी चैनल्स पर बैठे हुए होते हैं, ये अब सिखाते हैं क्रिकेट के बारे में, ये इन जैसे दोगले लोग कोई नहीं है मेरे ख्याल में, माजरत के साथ मैं इसी किस्म की बातें करता हूँ। ये गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, ये लोग जब टीम के में होते हैं ये और किस्म के होते हैं। ये जब टीवी चैनल्स पे हमें क्रिकेट सिखा रहे हैं और ये कह रहे होते हैं जो कम क्रिकेट खेले हुए हैं वो क्या बातें करते हैं, भाई आपने ज़्यादा क्रिकेट खेली है ना, मुझे पता है आपकी एक तो आपका वो रूप है नहीं, 6-6 तो आपके रूप हैं। तो प्रॉब्लम ये है जब इस किस्म की बातें करते हो, उन सबको तकलीफ होती है कि ये क्या बातें करता फिरता रहता है। तो मैं तो जब तक मेरे में जान है हिम्मत है जब तक मैं टीवी बैठा मैं तो नहीं इसलिए छोड़ूंगा किसी को। इंट्रोडक्शन में कहा था कि ये सच बोलने से नहीं डरते हैं, नहीं नहीं मेरे सामने किसी को भी बैठा दें मैं तो ऐसे ही बोलूंगा, मुझे कोई परवाह नहीं है। क्योंकि मुझे परवाह इस वजह से नहीं है, मुझे नहीं चाहिए दोस्ती यारी, मुझे नहीं चाहिए भाई सलाम तो करनी है करो नहीं करनी है ना करो, क्योंकि ना आपने मुझे क्रिकेट खिलाई है, ना मैंने आपसे कोई मुझे कोई वास्ता है, ना मैंने क्रिकेट बोर्ड में जाना है, ना मैंने आपके आगे पीछे भागना है। तो मैं तो जो बोलूंगा बोलूंगा। अच्छा 2010 में जो स्पॉट फिक्सिंग हुई आप भी उस टाइम स्क्वाड का हिस्सा थे, तो आपको कुछ अनयूजुअल फील या अनयूजुअल आपने देखा उस टाइम? देखिए मुझे तो बहुत बुरा लगा क्योंकि मैं तो दोस्त के पास गया हुआ था, रमज़ानों के दिन थे, उसने मुझे बोला आ जाओ ज़रा यहाँ पे आके मेरे घर पे आके आप रोज़ा खोलें। और वो जो होटल था उसके घर से तो कोई 10 मिनट की वॉक होगी, तो मैं वॉक करके चला गया, हम ग्राउंड से आए थे वॉक करके चला गया। तो वो चीज़ मुझे अच्छा, उससे पहले ये हुआ कि जब स्पेशली आमिर ने जो 9 बॉल की तो वो स्क्रीन पे उस टाइम देखी ना मैंने 9 बॉल, मैं तो बाहर बैठा हुआ था। तो अब पता नहीं आमिर को याद है ये बात या नहीं, आमिर जब शर्ट चेंज करके आया डगआउट में बैठा तो मैंने आमिर से बोला मैंने इतनी बड़ी 9 बॉल, तो आमिर ने उस टाइम बोला कि जी जोनाथन ट्रॉट मार बहुत रहा था, और जोनाथन ट्रॉट मार भी बहुत रहा था हमारे बॉलर्स को। तो मैंने बोला यार शायद हो सकता है मार बहुत रहा है तो इस वजह से उसने आगे से 9 बॉल कर दी। एज अ फास्ट बॉलर तो मैं ये समझ सकता हूँ ना कि आपको गुस्सा बहुत होगा, आप रनअप तेज़ किया, तेज़ बॉल करने की कोशिश की तो आपका पाँव इतना आगे चला गया। लेकिन उस टाइम मुझे ये ज़रूर फील हुआ था कि इतनी बड़ी 9 बॉल तो मेरे ख्याल जो फर्स्ट टाइम भी बॉलिंग करेगा तो वो भी इतनी बड़ी 9 बॉल नहीं करेगा। खैर नहीं वे आगे पीछे होगी सारी बातें। तो जब रात में गए तो मेरे दोस्त ने फ़ोन किया, उसने बोला जी आप BBC चैनल लगाओ। मैंने चैनल लगाया तो मैंने इसको मैं क्या करूँ, कह रहा देख तो सही, देखा तो सामने टेबल और वो मज़र मजीद और सामने पैसे पड़े हुए। मैंने बोला इसको मैं क्या करूं, उसने बोला देख तो सही। मैंने देखा तो आमिर का नाम लिया, तो सलमान भट्ट का नाम लिया, तो उसके बाद आसिफ का नाम लिया। मैं तो हैरान हो गया इतनी देर में देख रहा था, तो होटल से फ़ोन आ गया मेरे पास, मैनेजर का आया किसी के असिस्टेंट मैनेजर, भाई कहाँ हो, मैं बाहर निकला हूँ, पहुँचे फटर पहुँचे। उस 10 मिनट की वॉक के दौरान, उस फ़ोन के दौरान जब मैं घर पहुँचा होटल, तो ऐसे लग रहा था कि पूरे इंग्लैंड का मीडिया होटल के बाहर खड़ा हुआ है, सिक्योरिटी, ऐसा लगता है कोई टेररिस्ट रहते हैं यहाँ पे। तो मैं जैसे ही अंदर गया तो मुझे वो डोर पे ना सिक्योरिटी वाले रोका, उसने बोला कौन हो आप, अंदर जाना आना जाना मना कर दिया था सबका। मैंने बोला पाकिस्तान टीम के साथ का प्लेयर हूँ, मैं बाहर गया था। अच्छा ये क्या हुआ, मैंने बोला मुझसे पूछो, मैनेजर से पूछो। चले गए अंदर कमरे में बैठे रहे, सुबह उठ के मैच हारना ही था हमने, जो हमारे हालात थे। बिल्कुल, तो इस वक्त आमिर और ये लोग कहाँ थे? ये लोग तो सब कमरे में थे। फिर उसके बाद जब हम लोग मुलाकात हुई थी, नहीं नहीं हमने क्या मुलाकात करनी है। अच्छा उस दौरान जब मैं घर वापस जा रहा था तो अम्मी का फोन आया, अब वो मैं पंजाबी में कहता हूँ, अब पत्नी आपको समझ आती नहीं आती पंजाबी में, मुझे अम्मी कहती है वो किधर है तू, मैंने मैं होटल जा रहा हूँ।
ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਜੀਓ ਤੇ ਦੱਸ ਜੀਓ ਟੀਵੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕੋਈ ਅਰੈਸਟ ਵਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਮੈਂ ਉਧਰ ਹੀ ਜਾ ਰਹਾ ਹੂੰ अच्छा फिर जब हम होटल पहुंचे तो वो होटल पहुंच के इन्होंने बोला जी फोन वोन बंद कर दे तो मैंने अम्मी को बोला मैंने फोन बंद कर रहा हूँ परेशान होने की जरूरत नहीं है। सुबह तक मैं मैच तो खेल नहीं रहा था मैं सुबह 5 बजे तक अपने ही कमरे में बैठ के न्यूज़ में देखता रहा कि कौन सा सिक्योरिटी वाला किस प्लेयर के रूम में जा रहा है कौन सा किस प्लेयर के रूम में जा रहा है तो अफसोस तो मुझे बहुत हुआ। फिर उसके बाद अगले दिन मैच खेलने गए बुरा हाल आमिर उस कोने बैठा हुआ है मोहम्मद आसिफ इस कोने बैठा हुआ है सलमान भाई उधर बैठे हुए हैं अब इनसे पूछी जा रहे हैं कि आपने किया है या नहीं किया तो कहते जी हमने नहीं किया। एक हमारे बड़ा नाम है प्लेयर है वो कहते जी अच्छा तू कुछ नहीं कहता था कलमा पढ़ ला था आयता पढ़ ला वो भी शुरू हो गए मैं हैरान वो भी सब कुछ शुरू हो गए तो मतलब यानी इतने अरसे बाद जाके सब ने माना तो अफसोस तो होता है। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट ठीक है फिर उसके बाद कम बैक हुआ लड़कों का आमिर के अलावा तो बाकी सलमान आसिफ का नहीं हुआ लेकिन अफसोस होता है अगर आपसे गलती हुई है ना तो मैं एक मशवरा दे दूं लड़कों को अगर आपसे गलती होती है चाहे किसी भी किस्म की हो आप उसी टाइम मान लो उस चीज़ को वो बात बढ़ती नहीं है पाकिस्तान का नाम बदनाम नहीं होगा। 2-3 साल आपने ये सब कुछ किया उसके बाद फिर आपको पता चला कि आप यहाँ से निकल सकते नहीं हैं इतने प्रूव्स हैं सबके पास तो आपने फिर कह दिया जी हाँ हम सब ने किया तो वो मेरी ज़िंदगी का सबसे क्रिकेट के हिसाब से सबसे अफसोसनाक वाकया था। और ये भी कह सकता हूँ कि जब भी कोई फिक्सिंग की बात होगी तो मेरे ख्याल टी वी चैनल वाले मुझे तो याद ज़रूर करेंगे क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है हाँ जी आप भी थे क्या चलता रहा तो ये चीज़ें चलती रही फिर एक दूसरे क्रिकेटर से भी जानना होता है ना कि उस वक्त क्या हो रहा था क्योंकि जाहिर है हम लोग तो नहीं थे वहाँ पे। देखिए बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि बहुत से लोगों को पता होंगी बहुत से क्रिकेटर्स को भी पता होंगी तो मेरे ख्याल में अगर आप सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे तो तबाही आ जाएगी तो जितनी आप कर सकते हैं तो मेरे ख्याल उतनी करें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा क्या आप वाकई कराची के लड़कों को वो डिजर्विंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है कराची के लड़कों के साथ ज्यादती होती है कितनी सच्चाई ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। मुझे लोग कहते हैं जब मैं कराची के लड़कों की सब बात करता हूँ तो मुझे काफ़ी लोग कमेंट भी करते हैं अब मेरा यूट्यूब चैनल भी है उसके ऊपर भी और जब टीवी पे भी बैठता हूँ आप तासुबाजी की बात बहुत ज़्यादा करते हैं। ताबिश खान फवाद आलम और खुर्रम मंजूर इन तीन लड़कों के अलावा मुझे कोई भी बता दे कि मैंने किस लड़के की बहुत ज़्यादा बात की है कराची के मैं बात कर रहा हूँ इन तीनों लड़कों की जो परफॉर्मेंस थी वो पूरे डोमेस्टिक क्रिकेट में किसी प्लेयर के साथ इन तीनों की परफॉर्मेंस मैच नहीं करती है। खुर्रम मंजूर की अभी जो परफॉर्मेंस है वो मैच ही नहीं करती किसी डोमेस्टिक के प्लेयर के साथ चाहे वो जितना भी टैलेंटेड हो इसके साथ नहीं करती। फवाद आलम की इतनी टॉप की परफॉर्मेंस थी 12,000 रन किए हुए थे और वो पाकिस्तान टीम में नहीं था तो क्या मैंने उसकी गलत बात की थी। ताबिश खान के 600 आउट होने वाले थे वो पाकिस्तान टीम में नहीं था तो क्या मैंने गलत बात की थी। मैं पूरे पाकिस्तान के लड़कों की बात करता हूं लेकिन मुझे लोग बोलते हैं जब मैं कराची की करता हूं मैं कराची के उस लड़के की पर बात करूं ना जिसकी परफॉर्मेंस नहीं है मैं कराची के कितने लड़के ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंस नहीं है मैं कहता हूं ये पाकिस्तान टीम में नहीं होने चाहिए। सरफराज की मैंने बात कितनी दफा की कि ये अपनी गलतियों की वजह से टीम से बाहर है वो ठीक है उसने गलतियां की क्यों टीम से बाहर होना चाहिए। मैंने आजम खान की बात की मैंने बोला इनकी फिटनेस सही नहीं है ये कैसे पाकिस्तान टीम के अंदर आ रहा है तो कराची का जो लड़का नहीं अच्छा तो मैं उसकी तारीफ नहीं करूंगा। और दूसरी चीज ये कि मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है मैंने 15-16 साल डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है बहुत सी चीज़ें हमें डोमेस्टिक में नज़र आती थी इसमें कोई शक नहीं है कि कहीं ना कहीं कराची के लड़कों के साथ नाइंसाफ़ी होती थी। अगर मैं जिस टाइम डोमेस्टिक खेलता था उस टाइम डिपार्टमेंट क्रिकेट थी पंजाब के जितने भी डिपार्टमेंट थे जिनका डिपार्टमेंट का पंजाब से ताल्लुक था मेरे दौर में जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं वो निकाल के देख लें उन डिपार्टमेंट के अंदर कितने कराची के लड़के थे कितने के एक आध कराची का लड़का होगा बस लेकिन जब कराची से डिपार्टमेंट कोई बनता था तो उसके अंदर ज़्यादातर पूरे पाकिस्तान से लड़के होते थे कि टीम अच्छी करनी है लेकिन वहाँ से नहीं होता था तो ये चीज़ें जो हैं लाजमी नहीं है बोली जाए नजर आती हैं कि क्या सही है क्या गलत है। आजम खान और इमामुल हक को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं आखिर ऐसा क्यों? देखिए इमामुल हक को मैं अभी भी अब्दुल्ला शफीक को भी कहता हूँ ये क्रिटिसाइज नहीं है ये लोग समझते हैं असल में प्रॉब्लम पता क्या है लोगों ने इतनी सच्ची बात कभी टीवी पे सुनी नहीं और ना सुनना चाहते हैं वो तो यही है कि मक्खन लगाता रहे कोई हमारा
और हमारी तारीफें कोई करता रहे, वो उनके लिए वो बेस्ट आदमी है जो टीवी चैनल पे बैठ के उनके लिए मक्खन लगाता रहे। मेरी जिंदगी में ना मैंने डबरोटी है मेरे पास, ना मेरे पास मक्खन है, मैंने तो ये काम करना ही नहीं। हाँ वैसे रियल में डबरोटी पे मक्खन लगाता हूँ, लेकिन टीवी पे कभी भी डबरोटी के ऊपर मैं मक्खन नहीं लगाता, ना मुझे वो शौक है। इमाम उल हक जिस तरीके से आए थे, मैंने कभी भी नहीं ये बोला कि आजम खान को क्रिकेट खेलनी नहीं आती, मैंने कभी ये नहीं बोला कि इमाम उल हक को खेलना नहीं आता, मैंने ये बोला था कि इमाम उल हक जो है वो इंजी भाई की वजह से पाकिस्तान टीम में आए, क्योंकि वो जब सिलेक्टर थे तो उन्होंने उनको सिलेक्ट किया, और इंजी भाई के बारे में जो मैंने बातें की वो बहुत चली, वो लोगों ने पता नहीं क्या क्या मुझसे बोलते रहे। खैर हो सकता है शायद मेरी कुछ वर्डिंग ऐसी हो कि लोग उस चीज को गलत लेके जा रहे हो, मैं अपने आप को परफेक्ट नहीं समझता, लेकिन मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं जो बेहतर चीजें वो सामने लेके आऊँ। उसके बाद इमाम उल हक आपके सामने है, इमाम उल हक ने अच्छा परफॉर्म करना शुरू किया, अभी मैं कहता हूँ कि वनडे क्रिकेट में उसकी बहुत अच्छी फॉर्म है, बहुत अच्छी एवरेज है, उसको कंसिस्टेंट खिलाना चाहिए, लेकिन मैं अपनी उस बात पे कायम हूँ अभी भी। मैंने क्या बोला था, इमाम उल हक 10,000 रन भी कर लेगा, मैं उस चीज पे कायम हूँ कि जब वो पाकिस्तान टीम के अंदर आया था उस टाइम जो ओपनर्स थे उनके साथ नाइंसाफी हुई थी, जब आजम आया है तो मैंने उस टाइम भी बोला है कि जब और लड़कों की फिटनेस नहीं होती तो वो पाकिस्तान टीम में क्यों नहीं आते, तो आजम क्यों आया। अभी अब्दुल्ला शफीक है, अब अब्दुल्ला शफीक का तो कोई रिश्तेदार तो नहीं है ना, लेकिन मैं अब्दुल्ला शफीक के बारे में ये कहता हूँ मेरी तरफ से जितने रन भी कर ले, अच्छा रन करे, अपना नाम बनाए, लेकिन जब आया है टीम में वो दूसरों के साथ नाइंसाफी हुई है। अच्छा ये मेरा खुद का भी सवाल है कि आप इतने ओपनली हर टॉपिक पे बात करते हैं, इतने अग्रेशन के साथ, आपको कभी थ्रेट्स मिली हैं? देखें मेरी गोट नहीं फंसी भी गई, और 100% कहीं मेरी गोट फंस गई तो मैं आपको आज शो में कह रहा हूँ इन्होंने मेरा जीना आराम कर देना सबने, सुबह दोपहर शाम वो गोट चलाते रहेंगे या अपने YouTube चैनल्स पे, अपने TV चैनल्स पे, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि इन सबको पता है कि इसकी गोट फंसी हुई नहीं है। और ये भी आपके शो में बता दूं, बहुत से लोग किसी ना किसी तरीके से कोशिश कर रहे होंगे, और जब तक मैं टीवी चैनल में बैठा हूं वो करते रहेंगे कि इसकी गोट फंसे किसी ना किसी तरीके से। अल्लाह का शुक्र है अभी तक तो नहीं है, बाकी जो मेरी बाकी जो है देखी जाएगी। और एक चीज बता दूं इन लोगों को, मैं जी इनको एक चीज बता दूं, मेरी गोट इनके पास फंस भी जाए छोड़ूंगा नहीं किसी को, मैं गोटों से फंसने वाला नहीं हूं। ये समझते ना कि मैं बैकफुट पे चला जाऊंगा, मैं डर जाऊंगा, इनको ये बता दूं मैं जेन्युइन आदमी हूं और सच्चा आदमी हूं, ठीक है ना। जितनी फसानी है गोटे, जितना सोशल मीडिया में उड़ाना है उड़ाते रहो, डरूंगा नहीं लोगों से, जो मुझे उड़ाएगा मैं उसके ही अगेंस्ट जाऊंगा, ये मैं कुछ बता दूं पहले ही। स्पीकिंग ऑफ डरने की बात, तो दानिश कनेरिया आपका क्या इशू है? किस कौन सा वाला आपका जो इतना टसल रहती है दानिश कनेरिया और तनवीर अहमद की? नहीं नहीं दानिश कनेरी, देखिए बात यह है कि मैं किसी के अगेंस्ट नहीं जाता, मेरे अगेंस्ट लोग जाते हैं। अब मैं चाहे YouTube चैनल पे कुछ बोलूं, या कोई मैं वर्डिंग किसी प्लेयर के लिए इस्तेमाल करूं, या मैं TV चैनल्स पे बोलूं, सबको मेरे से तकलीफ होती है। कोई प्लेयर कहते हैं तेरा सच नहीं सुनना, तू क्या सच बोलता रहता है, ये बड़े बड़े नामों की बात कर रहा हूँ। कुछ कहता है जी ये क्या कहता है कि तुक्के में रन्स हो गए, कुछ क्या बोलता है भाई। जब आप लोग टीवी चैनल्स पे बात करते हैं या आप लोग अपने यूट्यूब चैनल पे बात करते हैं, तो मैंने तो कभी किसी की वर्डिंग नहीं उठाई, मैंने तो कभी भी किसी के बारे में बोला यार आपने क्यों बोला, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आपके व्यूज अपने हैं, आपके ओपिनियन अपना है, मैंने तो नहीं कभी बोला। लेकिन मैं जब बोलता हूं ये तो अल्लाह की तरफ से है ना, इन सबको तकलीफ होती है ये क्या बोलता फिरता रहता है, क्योंकि वजह ये है कि सबको सबके ऊपर मैंने जरा वो रखा हुआ है ना, तो सबको प्रॉब्लम होती है कि यार इसको बंद करो, इसका मुंह बंद करो किसी ना किसी तरीके से। तो ठीक है अगर बड़ा से बड़ा प्लेयर अगर मेरी बात को उठाता है तो इससे बड़ी और बात क्या चाहिए। असल में देखे मैं कोई आम प्लेयर होता ना, आम बंदा होता तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होती। अब इन सबको पता है ये टेस्ट क्रिकेटर है, टेस्ट क्रिकेटर है, इसको एक एक चीज का पता है, बड़े नामों का भी छोटे नामों का भी, क्रिकेट की इनसाइड आउटसाइड सब पता है, जिसकी वजह से इन सबको प्रॉब्लम होती है। T20 वर्ल्ड कप में आसिफ अली ने मिसबाह उल हक को प्रेज किया था कि काफी अच्छे कोच रहे, तो आपका इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए हमने जो पॉइंट ऑफ व्यू देना था दे दिया, उसके बाद जो बातें हुई हमारे ऊपर, मैं ये कहता हूँ मैं अपनी बात पे कायम हूँ, मैंने उस टाइम भी ये बात बोली थी, मैं अब भी बोलता हूँ कि यार दुनिया क्रिकेट की को देखो, क्या वो सबके नाम लेते हैं? क्या ऑस्ट्रेलिया का कोई प्लेयर या इंग्लैंड का प्लेयर या कोई इंडिया का प्लेयर या कोई भी प्लेयर जब आके परफॉर्म करता है, क्या वो कहता है कि जी मुझे रिकी पोंटिंग का थैंक यू, या इंग्लैंड का प्लेयर को कहता है जी मॉर्गन का थैंक यू या फलाने का थैंक यू? भाई बड़े हो जाओ, मैंने उस टाइम भी ये लफ्ज़ यूज़ किया था, बड़े हो जाओ,
बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए ये कोई इंडिविजुअल एक बंदे का काम नहीं था। अगर आपने मिसबा का नाम लिया था तो ये इंडिविजुअल मिसबा का काम नहीं था, आपके पास बैटिंग कोच था, आपके पास और कोचेज भी थे जिन्होंने आपको मेहनत करवाई, सब कुछ करवाई। सबको पता है कि आपने अगर परफॉर्म किया तो किस किस की वजह से किया। ये मैं ये बात करूं अपने कल्चर की वजह से, हमारे कल्चर में ये छोटी छोटी चीजें बहुत नोट होती हैं। तो आप बड़े हो जाओ, अपने आप को मेच्योर करो थोड़ा सा, टाइम के साथ लोगों को पता भी चले मेच्योरिटी आ रही है अपनी क्रिकेट में भी और अपनी बातों में भी। और T20 वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही है, देखिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर परफॉर्मेंस नहीं होती तो मेरे ख्याल सबसे आगे मैं होता। लोग तो कहते ना कि ये तो पड़ा रहता है पाकिस्तान टीम के पीछे, इस दफा क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि अच्छा खेला। मैं कोई इतना बेवकूफ तो नहीं हूँ, मैंने भी क्रिकेट खेली है। जब अच्छा खेलेगा और बहुत अच्छा खेला तो मैंने बैक किया। मैंने एक एक वर्ल्ड कप के मैच में भी आप मुझे बता दें कि मैं पाकिस्तान टीम के अगेंस्ट गया हूँ या किसी भी प्लेयर के अगेंस्ट गया हूँ। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से हारा भी तो मैंने उस टाइम भी बोला कि वेल प्लेड, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, कैच छोड़ दिया सन ने, बॉलिंग गंदी हो गई शाहीन से, लेकिन जो पूरा टूर्नामेंट था वो बहुत अच्छा खेला पाकिस्तान ने। अच्छा एक हमारा छोटा सेगमेंट है रैपिड फायर, आपको पिक करना है ये या ये। सही है। सो लेट्स स्टार्ट, मोइन खान या राशिद लतीफ? राशिद लतीफ। हु इज बेटर विकेटकीपर बैट्समैन, कामरान अकमल या मोहम्मद रिजवान? कामरान अकमल अपने टाइम पे बहुत अच्छा था, रिजवान अभी बहुत अच्छा है। आपको मौका मिले आपकी अपनी टीम में पिक करने का इन दो लोगों में से, तो आप किसको करेंगे, आजम खान या इमामुल हक? मैं अगर फोर डे क्रिकेट के हिसाब से जाऊं, क्योंकि मैं शायद मैं खेला हुआ हूं पहले, जिसकी वजह से मैं T20 पे इतना वो नहीं करता, लेकिन आजकल के दौर पे तो जाहिर सी बात है आजम खान जिस तरीके से ऊपर आ रहे हैं तो आगे चल के T20 क्रिकेट ही है। लेकिन अगर मैं प्रॉपर एक क्रिकेट के हिसाब से देखूं तो इमामुल हक। वकार यूनुस एज अ कोच और एज अ क्रिकेटर? एज अ क्रिकेटर। बेटर लेग स्पिनर दानिश कनेरिया और मुश्ताक अहमद? दानिश कनेरिया। मुझे दानिश कनेरिया इस वजह से लगते हैं क्योंकि अगर वो फिक्स में मुलव्वस नहीं होते तो 400-500 आउट तो आराम से करते वो। अच्छा अच्छा, वन वर्ड फॉर अकॉर्डिंग द पीपल, अल्लाह करे वो सुन ले, बोले मेरी तारीफ कर दी है। हम भेज देंगे खास तौर पे। हां भेज दीजिएगा आप खास तौर पे उनको। वन वर्ड आपको बोलना है फॉलोइंग प्लेयर्स के लिए, मिसबॉल हक? मेरे ख्याल में बर्दाश्त बहुत है उसके अंदर, जितनी क्रिटिसिज्म मिसबा के ऊपर हुआ है करते हैं हम लोग, मेरा ख्याल है वो बहुत ही ठंडा किस्म का आदमी, उसके अंदर कोई रग है ही नहीं गुस्से वाली, मुझे तो लगता है बहुत पेशेंस है, बहुत ज्यादा है। इंजमामुल हक बहुत हाईली टैलेंटेड और वाकई लेजेंड है, और कुछ चीजों पे तो लोगों ने बोला आप लेजेंड मानते नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन लेजेंड है वो। अच्छा, फखर जमान कुछ इनिंग्स बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी खेलते हैं, लेकिन कुछ टाइम उनको ऐसा हो जाता है, ऐसे लगता है इनको बहुत कुछ अभी सीखने की जरूरत है। यूनुस खान मतलब, यानी फख्र महसूस करता हूं कि वाहिद प्लेयर है जिसने 10,000 रन किए हैं, लेकिन नेचुरल टैलेंटेड नहीं था, टैलेंट नहीं था उस बंदे के अंदर, मेहनत से उस बंदे ने इतने रन किए। और बहुत से नेचुरल टैलेंटेड प्लेयर ये समझते होंगे कि यूनुस ने 10,000 रन क्यों कर दिए, और 100% एज अ क्रिकेटर मैं समझ सकता हूँ वो जलते भी बहुत होंगे। वसीम अकरम जो हैं वो नेचुरल टैलेंटेड, बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तान की हिस्ट्री में मेरे ख्याल है, दुनिया की हिस्ट्री में खैर इससे बड़ा बॉलर नहीं आएगा मेरे ख्याल में। और कुछ चीज़ें हैं जो मुझे उनसे इख्तलाफ रहता है कि अगर वो चीज़ें बेहतर कर लें, ये मैं एज अ छोटे ब्रदर होने से मैं वसीम भाई को कह रहा हूँ कि अगर आप उन चीज़ों को बेहतर कर लें, क्योंकि आप लोग वाहिद ऐसे लोग हैं जो टीवी पे आके जो सच बात करेंगे या झूठ बोलेंगे, जो भी बोलेंगे लोग आपको फॉलो करेंगे। अगर आप गलत बोलेंगे तो आप पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचाएंगे, अगर आप सही बात करेंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा होगा। रैंक द प्लेयर्स फ्रॉम 1 to 5, विलियमसन, बाबर आजम, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जो रूट? रोहित शर्मा, बाबर आजम, विराट कोहली, जो रूट और विलियमसन। अच्छा मैं पूछूंगी कि बाबर आजम को आपने क्यों नहीं फर्स्ट पे रखा, लेकिन अब हमारा शो का टाइम खत्म हो गया, इट वाज सो नाइस। इसका जवाब दे दूं? दे दो प्लीज। बाबर आजम को अभी बहुत टाइम लगेगा, नो डाउट बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन टैलेंट वाइज मेरे ख्याल में रोहित शर्मा बेटर है। आप कह रहे एस्टैब्लिशिंग है ना बाबर आजम, रोहित शर्मा कब से क्रिकेट खेल रहा है, बाबर आजम को इतना टाइम नहीं हुआ, हो सकता है बाबर आजम और एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाए, लेकिन टैलेंट वाइज देखें तो वो बाबर आजम से कुछ बेहतर लगता है। उम्मीदें हैं सबको बाबर आजम से। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इट वाज सो नाइस मीटिंग यू। थैंक यू सो मच, आई हैड फन।
उम्मीद है आपको भी मजा आया होगा इस मुझे तो आपके साथ के हर जगह मजा ही मजा आता है क्योंकि मजा आता है मुझे खुला बोलने का जी। 4 घंटे लगा दे बोलता रहूंगा मैं। चले चले हम वो एक अलग स्पेशल एपिसोड करेंगे। ठीक है ठीक है। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफिज़।